बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल राज्य में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। बीजेपी नागरिकता कानून के जरिए बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, तो राज्य की सीएम ममता बनर्जी इन कानूनों का विरोध करने के साथ ही केंद्र को चैलेंज कर रही हैं कि वो किसी की नागरिकता लेकर दिखाए। टीएमसी और बीजेपी के निशाने पर मतुआ समुदाय है, राज्य में इनकी आबादी 8% के करीब है, तो मतुआ समुदाय के लिए बीजेपी और टीएमसी की क्या है रणनीति, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई के दौरान विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच भी गठबंधन तय हो चुका है, ऐसे में कई स्थानों में तिकोना मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस समय बंगाल की राजनीति में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी अपनी हर रैली में देश में जल्दी ही नागरिकता कानून लागू करने का दावा कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार कहती आई हैं कि वे राज्य में नागरिकता कानून को लागू नहीं होने देंगी। इस बीच चुनाव में अब मतुआ समुदाय को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में रहने वाले मतुआ समुदाय के अधिकांश लोग बांग्लादेश से भारत आए हैं। इनमें से कई लोगों के पास भारत की नागरिकता है, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, और बीजेपी नागरिकता कानून के सहारे इस समुदाय को अपने पक्ष में करना चाहती है। ऐसे में ममता बनर्जी ने नदिया जिले में हुई रैली में मतुआ आबादी को भरोसा दिया कि सभी शरणार्थियों को भूमि का अधिकार दिया जाएगा और कोई उन्हें देश से बाहर नहीं कर सकता। ममता ने कहा, आपको कोई यहां से नहीं हटा सकता, आप यहां पैदा हुए हैं और इस देश के नागरिक हैं। आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बीजेपी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपको केंद्र के नागरिकता कानून से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बंगाल के नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले की 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय की पकड़ मानी जाती है। नदिया और दक्षिण 24 परगना जिले में इस समुदाय की आबादी लगभग 40% है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस समुदाय के लोगों से बड़ी संख्या में वोट मिले थे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।